हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हॉस्पिटल सेक्टर के एक पेनी स्टॉक के बारे में जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि ये जो जो शेयर है ये काफ़ी अननोन है लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग अपोलो हॉस्पिटल जानते हैं, KMC जानते हैं, ऐसे स्टॉक जानते हैं, बट ये जो स्टॉक है ये बहुत ही अननोन है और इसका जो रिटर्न्स है काफ़ी शानदार आ रहा है। और ये जो कंपनी है दोस्तों, इनका अभी एक्सपांशन हुआ है, इन्होंने अपने हॉस्पिटल में 150 बेड का एक नया टावर शुरू कर दिया है पिछले एक हफ्ते में, तो उसके कारण इनके रेवेन्यू में भी ग्रोथ होने के चांसेस है आने वाले क्वार्टर्स में। दोस्तों, कंपनी अपोलो टायर ग्रुप की है जो कि दिल्ली बेस्ड है, ये हॉस्पिटल गुड़गांव में दिल्ली में है और इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। इसका जो फ्राइडे का क्लोजिंग था वो था 39 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 43 रुपीज़, मतलब अपने 52 भी खाए के काफ़ी पास में है ये। इसका पी है 17 का जो कि बहुत ही अच्छा है और EPS है 2.50 का जो कि इसका 39 रुपीज़ के रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.48, मतलब कंपनी में करीब डेट भी काफ़ी कम है, ये पॉजिटिव बात है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 33 रुपीज़ और अब ये मिल रहा है 39 रुपीज़ में। इसका ग्राम नंबर है 37 रुपीज़ और हमें मिल रहा है 39 रुपीज़ में, मतलब काफ़ी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू एंड ग्राम नंबर के पास ही अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास है 70%, जो कि काफ़ी कन्विंसिंग है। FII का कोई होल्डिंग नहीं है, बट DII का होल्डिंग है इसके ऊपर 1.22%, जो कि वो भी काफ़ी कन्विंसिंग बात है, अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2020 में इसका प्रॉफिट था 35 लाख रुपीज़, जून 2020 में इसका प्रॉफिट था 4 करोड़ 16 लाख रुपीज़ एंड सितंबर 2021 में प्रॉफिट बढ़कर हो गया 8 करोड़ 36 लाख रुपीज़। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कंपनी नया हॉस्पिटल था, इससे पहले रेवेन्यू कम था, पर जैसे जैसे अभी हॉस्पिटल का जो पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है तो उसके कारण ये शेयर अभी प्रॉफिट दे रहा है। 8 करोड़ 36 लाख का क्वार्टर आया दोस्तों, अगला क्वार्टर अगर 10 से 12 करोड़ का आ गया, 10 से 12 करोड़ रुपीज़, तो यही शेयर आपको 70 से 80 रुपीज़ के शेयर के पार जाते दिखेगा, क्योंकि दोस्तों हॉस्पिटल सेक्टर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसका बहुत ही अच्छा माना जाता है दिल्ली एरिया में, नॉर्थ इंडिया में ये हॉस्पिटल को काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स, इसमें सब टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं और काफ़ी फेमस डॉक्टर्स इसमें काम करते हैं। इस शेयर का नाम है आर्टेमिस मेडिकेयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड, ARTEMIS मेडिकेयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड। दोस्तों, ये जो है शेयर अंडर वैल्यूड मुझे क्यों लग रहा है आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि इसको कंपैरिजन करेंगे हम शॉर्ट में KMC सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के साथ में। KMC का पी है 50 का और इसका पी है 17 का, KMC का EPS है 1.20 और इसका EPS है 2.50 और KMC का रेट है अभी 65 रुपीज़, जो कि 92 तक जाके आ चुका है और अभी तो इसने अभी अपना 52 वीक हाई भी तोड़ा नहीं है 43 का, तो इसीलिए हर एंगल से ये शेयर अंडर वैल्यूड है। और अगर ये 43 को क्रॉस कर देता है ये हफ्ते में, तो इसमें ब्रेकआउट आकर ये शेयर हमें 50 से 60 के लेवल भी दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। इसीलिए जो हॉस्पिटल सेक्टर के शेयर देखना चाहते हैं, जो कि एक कंसिस्टेंट इनकम का सोर्स है हॉस्पिटल सेक्टर और एक टावर इसमें एक्सपांशन भी हुआ है, अभी 150 बेड का एडिशन हुआ है, तो वह हिसाब से इसका आने वाले दिनों में प्रॉफिट हमें अच्छा आने को दिखेगा, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी और शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से भी, और इस बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।